देखे जहां तहां अगणित जोधा। इसलिए मंदिर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। जहां एक सती सावित्री पति सेवी भगवान की भक्त एक नारी रहती है, वह घर ही मंदिर हो जाता है, वह गांव ही मंदिर हो जाता है, वह नगर ही मंदिर हो जाता है। इसलिए माता सीता जैसी पवित्र सती नारी जब वहां पर थी तो गोस्वामी जी लंका जैसे नगर को भी मंदिर की संज्ञा दी। इसलिए नारियों को मैं कहूँगा कि अपने घर को ही आप मंदिर बना। कहें घर ही के मंदिर बनेबो, हम मंदिर काहे को जइबो। आपका जो सतीत्व है, आपका जो आचरण है, उससे आपका घर मंदिर बन सकता है। तो इसलिए प्रत्येक जगह हनुमान जी देखते हैं, रावण के भवन में भी जाके देखते हैं। रावण माता सीता को हर के दूसरा भाव से नहीं लाया था, वो तो मात्र इसलिए लाया था कि मेरा उद्धार हो जाए। इसलिए रावण ने कभी गलत दृष्टि से माँ सीता को नहीं देखा था, स्पर्श तक भी नहीं किया था। उसके विचार पवित्र थे, इसलिए वो वहाँ नहीं बल्कि अशोक वाटिका में माता सीता को रखा। वो तो केवल अपना उद्धार चाहता था। इसलिए रावण शिव के धनुष को तोड़ सकता था, क्योंकि जब शिव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता था तो शिव धनुष उसके लिए कोई असंभव चीज़ नहीं थी। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि वो वहाँ पर रावण बाण छुआ नहीं, चापा, रावण ने छुआ ही नहीं। इसलिए कि देखा कि उद्धार ही इसी नारी से मेरा होना है, इसलिए हमेशा उनको माता की दृष्टि से देखता था, क्योंकि रावण विद्वान था। तो जब खोजते खोजते एक गृह दिखाई पड़ा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका बृंद तह देखि हरसि कपिराय। उस भवन में मंदिर जैसा था, रामायुध भगवान के चिन्ह थे और नव तुलसिका के पेड़ थे, स्वास्तिक बना हुआ था। आज बहुत से ऐसे लोग 50% 60% हैं, तुलसी दल चाहिए तो ठकुरवारी से भेज के मंगाते हैं, कहें जाओ ठकुरवारी से लेके आओ। मुर्गा बनावे के चूल्हा जरूर वहाँ मिलेगा ऊपर में दूसरा तल्ला पर, लेकिन तुलसी चौरा नहीं मिलेगा, नहीं समझे? तुलसी जी लेना होगा तो ठकुरवारी भेजेंगे, लेकिन जो भक्त होगा उसके घर में तुलसी का पेड़, ये बजरंग बली का ध्वजा जो रामनवमी में गड़ाएगा, यह नव तुलसी का वृंदतः और भगवान के भक्त का निशानी जो भी कुछ है, स्वास्तिक शंख चक्र गदा, ये कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन आजकल लोग घर में लिखवा देंगे, आप CCTV के निगरानी में ही नहीं लिखवाएंगे जय श्री राम, आप लिखवा देंगे कुत्तों से सावधान, मतलब अंदर सब कुत्ते ही हैं गेट पर लिखवा देंगे कुत्तों से सावधान, मतलब अंदर जितने हैं कुत्ते ही बैठे हैं और कुछ कुछ लिखवा देंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं। हीरो हीरोइन के फोटो टांग देगा लेकिन भगवान बुद्ध का, स्वामी विवेकानंद जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, अपने माता पिता जो 10 कट्ठा छोड़ के गए हैं उनका नहीं टांगेगा। पंडित लोग कह देंगे मरल आदमी के फोटो मत टांगो, घर में भूत आ रहा है तो फोटो यो ले जाके गंगा जी में फेंक देगा। कितने बता देते हैं कि देखो तुम्हारे घरे में दुख इसलिए आ रहा है कि मरल आदमी के फोटो टांगे हो। भला बताइए जो बाबू जीवन भर कष्ट सह के बेटवा को क्या नहीं दिया, वो अपने बेटवा को मरला के बाद दुख देगा? तो इसलिए ये सारे चिन्ह सनातन के गीता और रामचरितमानस होनी चाहिए, उसका पठन पाठन होना चाहिए। ये चीज़ों का एक असर पड़ता है।
जैसे आप बेस हैं, चंदन टिक्का लगाए हैं, तो आप अंडा के दुकान पर अंडा खाने में शर्माइएगा। कोई देख लेगा तो कहेगा देखो बेस कैसन है। हम एक बार सत्संग मेरा था मिथिला में, तो एक पंडित जी अंडा खा रहे थे और गाड़ी से मैं जा रहा था, तो अंडा वाले कह रहे थे कि हमारे अंडा में लहसुन प्याज मत डालना, हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मतलब कि अंडा खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, नहीं समझ रहे हो। तो ये मतलब के जो बेस है, यूनिफार्म है, आपको रोकता है। जैसे पुलिस लोग हैं तो वर्दी में वो ट्रक वालों से जल्दी घूस उस नहीं लेंगे, क्योंकि बेस है उनका। कोई फोटो खींच लेगा, देखिए वर्दी में घूस लेते हुए सिपाही, डाल देगा। लेकिन वहीं सिविल ड्रेस में रहेंगे तो गप गप लेते जाएंगे। इसलिए बेस हमारे सनातन संस्कृति में इसीलिए बनाया गया ताकि कम से कम बेस का लोग मर्यादा करें। लेकिन आज उसी बेस को हम लोग अपवित्र करने में लगे हुए हैं। इसलिए सब सनातनियों के घर में इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए और उसका पठन पाठन भी होना चाहिए, तब जा कर के आपका और सनातन मजबूत होगा और इस सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। इसलिए आगे कहते हैं, हनुमान जी मन में विचार करने लगते हैं कि माता सीता के सिवा भी यहाँ एक भगवान का भक्त है। हनुमान जी को लग रहा था मैं ही एक भक्त हूँ। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। सुबह उठिए तो गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड नाइट मम्मी मत कहिए। गांव में किसी से मिलिए तो गोड़ लागतानी, पाँव लागतानी मत बोलिए, राम राम भैया। ये हमारी भारतीय संस्कृति पुरानी। हरियाणा में आप जाओ, पंजाब में जाओ, सब बोलेगा राम राम जी, राम राम भैया। सुबह देखो गुड मॉर्निंग बोलोगे तो इसका हिंदी करो अच्छी सुबह, गुड नाइट बोलोगे तो अच्छी नाइट, तोरा कहला से अच्छी नाइट हो जाते। यहाँ तो नींद के गोली खेला पर भी नींद नहीं आ रहा, गुड मॉर्निंग कहला से अच्छी सुबह हो जाएगी क्या? यहाँ तो सुबेरे से दिमाग चढ़ल है कि पेपर का बिल आ गया है, बिजली बिल 3,000 आ गया है, फीस देना है, और तू गुड मॉर्निंग कर रहा है, अच्छी सुबह कहाँ से होकर। बेचारा के सुबेरे से वह बीपी हाई भले सोच सोच के। तो इसलिए राम राम भैया, सीताराम भैया, ये भगवान का नाम लोगे तो कम से कम चलो कुछ भी आया रहेगा, लेकिन कम से कम एक आग दो बार पपवा तो थोड़ा कम होगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, आज भी आप सेना में जाइए, हमारे देश की जो जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे स्थल सेना हो, सारी सेनाओं में यही कोड है, राम राम जी, राम राम जी। तो ये भगवान का नाम ही लेना चाहिए सुबह सुबह, उससे आपका संस्कार बढ़ेगा, थोड़ा बहुत पाप का क्षय होगा, थोड़ी सी शांति आपके मन विचार में आएगी। इसलिए जब विभीषण उठता है तो राम राम का नाम का स्मरण करता है। जो भी भक्त होगा वो धरती माता को गोड़ लगेगा, भगवान का नाम लेगा, और उसके बाद अपना जो भी दिनचर्या है उसको अपना करेगा प्रभु का आशीर्वाद लेकर। तो अपनी संस्कृति से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं, यह शोचनीय है। और अभी तक तो मान लीजिए कुछ हद तक ठीक है, अब आने वाली पीढ़ी किधर जाएगी यह सबसे ज़्यादा शोचनीय है। तो इसलिए जो युवा पीढ़ी है उससे भी निवेदन है कि अपनी संस्कृति का अक्षरशः पालन करे और महान समझे। देखिए कितना भी स्मार्ट लड़का होगा इस्लाम में, लेकिन टोपी पहन के अपनी संस्कृति जो उसकी बनाई गई है वो आएगा। कितनी भी स्मार्ट लड़की होगी लेकिन अपना उसका जो संस्कृति है बोरका पहन करके वो रहेगा। हमारे यहाँ और आपके यहाँ मतलब कि देखने में लगता है कि अभद्रता, आदमी देख नहीं सकता है,
थोड़ा सा आटे बांटे लगा तो रुद्राक्ष की माला और बजरंग बली का जो लॉकेट है गर्दन से गायब। पता लगा सोने का चैन तो फलना तो ढेकना, एगो क्रॉस लटका के घूमने लगे। अपनी संस्कृति से नफरत जैसा हम लोग करने लगे, जो कि रुद्राक्ष की माला अगर आप पहनते हैं तो ये आपके बीपी को सर्कुलेट करता है। जैसे मान लीजिए आप सोते हैं 2 घंटा, कम से कम एक तरफ हर आदमी सोता है, तो ये रुद्राक्ष गर्दन में है, इसको पहने पहने मैं इधर ऐसे सो गया, तो ये हमारे नस को सर्कुलेट करते रहा उतना देर तक, दाबते रहा उसके प्रेशर को ब्रेन के, फिर इधर सो गए तो इधर दाबते रहा। हर इस सबका एक वैज्ञानिक रीजन है। तुलसी की माला आप पहनते हैं, तुलसी में एक एंटीवायरस आया है, एंटीवायरस रहता है जो तुलसी के पेड़ के जड़ से हमेशा डिस्ट्रॉय होते रहता है, जिससे आपके अगल बगल एक निगेटिव जो भी ऊर्जा है उसका प्रवाह रुक जाता है। इसलिए बुजुर्ग लोग पहले कहते थे कि तुलसी का माला पहनो गर्दन में। आज भी देखते हैं किसी को दांत में दर्द होता है तो एगो जड़ी बांध देते हैं वैद्य लोग, 2-3 दिन में दांत का दर्द गायब। कैसे? उससे एक अदृश्य किरणें उस जड़ी से निकलती हैं जो हमारे त्वचा में अपने आप घुसती हैं और उससे वो उस इफेक्ट डालती हैं। तो इन सब चीज़ों का एक महत्व है। आप इसको करने से अपने आप को ओल्ड मैन नहीं हो जाएंगे। लोग कहता रहे तो ओल्ड मैन की निशानी है, हम लोग ओल्ड मैन थोड़ी हैं। ये भारतीय संस्कृति एज ए साइंस है। जो कुछ भी हाथ में जो हम लोग धागा बांधते हैं इसका भी एक अपना रीजन है। जो भी कुछ हम करते हैं उसके पीछे एक रीजन रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए विस्तार से चर्चा तो हम रोज ही कर देते हैं। आगे विप्र रूप हनुमान जी यहाँ पर भी धरते हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त को एक भक्त जब मिल जाता है तो हठ से पहचान करिए। कहें कि यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह धाए। ब्राह्मण का रूप धरा, विभीषण जी को उठाया, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने प्रणाम किया, बोले विप्र देवता आप कौन हैं, क्यों आए हैं? हमें तो लगता है कहीं आप राम जी ही तो नहीं हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। हे भगवान आप कहीं राम जी तो नहीं हैं? तब हनुमान जी ने कहा भैया इतना बड़ा पद मत दो, मैं तो राम जी का दास हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमिरी मगन सुमिरी गुण ग्राम। पूरी कथा भगवान की कह डाली राम कथा हनुमान जी। अगर कहिए तो मानस में एक वक्ता हनुमान जी हैं और एक श्रोता विभीषण जी भी हैं, क्योंकि पूरी कथा यहाँ हनुमान जी कह देते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। इसलिए एक वक्ता हनुमान जी, दूसरे श्रोता विभीषण जी। और कहते हैं जब विभीषण जी कि क्या भगवान मुझ पर कभी दया करेंगे, क्योंकि मैं निश्चर वंश का हूँ, उनके सबसे बड़े दुश्मन का भाई हूँ। तो हनुमान जी ने कहा घबराओ मत, आप भक्त हो ना, बस इतना ही काफ़ी है भगवान की दया के लिए। आप भक्त हो बस यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनन महु जीभ बिचारी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया कि हरि की कृपा हो गई, संत के दर्शन हो गए, अब राम जी मिल जाएंगे। हमारे दादा गुरु महाराज कहें हो,
भगवान कोई डीएम है तो मैं उनका पहरेदार हूँ, बिना मुझसे मिले भगवान से कोई मिल नहीं सकता। कहें भगवान के दूत हैं संत, उनके संदेश वाहक हैं संत, इसलिए प्रत्येक सनातनी का संत में श्रद्धा रखना अनिवार्य है। संत कैसा भी हो, बिहार में एक कहावत है, साधु कितनों नीचा तो तोरे बाप दादा से ऊंचा। कितना भी वह नीचा है, आप एक दिन मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं भर दिन आज मंदिर गई लियो है, आज मंदिर गई लियो है, बोलते हैं ना सब लोग अपना टोला मोहल्ला। जो 24 घंटा मंदिर में रह रहा है आपसे महान है कि नहीं? वो 24 घंटा 12 महीना उस मंदिर में रह रहा। तो इसलिए संत सदैव श्रद्धा का पात्र होते हैं, उनका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। हम जो हैं वो अपने लिए हैं, आप जो हैं वो अपने लिए हैं। तो कहते हैं अब भगवान विश्वास हो गया, फिर विभीषण जी ने बताया माता जानकी अशोक वाटिका में रह रही हैं, हनुमान जी जाके मिल लो। तब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाके पेड़वा पे चढ़ के लुका गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। और उसी समय विचार ही कर रहे थे तब तक रावण आ गया, माता सीता को भयभीत करने लगा, तुम नहीं मानोगी तो मार डालूंगा, यह वह मास दिवस में तुम मान के हमसे विवाह कर लो। सब हनुमान जी ऊपर से उसकी बात सुन रहे थे, क्योंकि वहां तो लड़ने नहीं गए थे, पता लगा के संदेश भगवान को पहुंचाना था, इसलिए वो गए थे। बात तो रावण की अनुचित लग रही थी, फिर त्रिजटा वगैरह राक्षसी थी जो माता सीता के फेवर में भी थी, रावण चला गया तो वो सांत्वना देती थी, घबराओ मत, मैंने ये सपना देखा वो सपना देखा, सब बताती थी सीते। क्योंकि अगर हर जगह राक्षस हैं तो हर जगह भक्त भी हैं, ऐसा नहीं कि सब जगह राक्षस हैं। तो लंका में भी राक्षस भी थे, भक्त भी थे, माता सीता के समर्थन में भी कई लोग थे। उसके बाद फिर जब रावण चला गया तो ऊपर से वहीं मुद्रिका डाल दिए हनुमान जी, और माता सीता कह रही थी अशोक बाटी पेड़ से कि हे अशोक, तुम अगर ऊपर से अंगार गिरा देता तो मैं आग लगा के मर जाती, लेकिन इसका वचन नहीं सुनती। और उसी समय वह मुद्रिका गिरी तो माता सीता को लगा कि लगता है आ गए, गिर गया क्या। कपि करी हृदय बिचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी कर गहे। दौड़ के माता सीता उठा ली, जब हाथ में ली तो वही मुद्रिका जो माता सीता का था, और ऐसी मुद्रिका रावण दूसरी नहीं बना सकता था माया से, क्योंकि मुद्रित मन ही मुद्रिका है, और मन को माया से कभी बस में नहीं किया जा सकता। मन जब भी बस में होगा तो साधना से होगा, इसलिए माता सीता यह जान गई कि ये तो प्रभु की ही दी हुई मुद्रिका है, क्योंकि मन दूसरा कोई बस में कर नहीं सकता। और लगी इधर उधर देखने, फिर सोचने लगी कि जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असिर रचि नहीं जाई। और भगवान अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है, तो इसलिए जरूर कुछ प्रभु की लगता है कृपा हुई। तहां जहां इतना सोच ही रही थी कि हनुमान जी फिर राम जी का गुण बरनने लगे। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। आज सोमवार है कि मंगल है? सोमवार है। तो भगवान का गुण लगे वर्णन करने और माता सीता का दुख भाग गया।
अगर आप लोग भी अपना दुख भगाना चाहते हैं ना, तो भगवान के गुणगान का वर्णन करो, तब दुख भागेगा। एगो ही रोड में तेल फुकवा बाबा आया था 5 बरस पहले, आप लोग गए थे तेल लेके बोतल सीसी फुकवाने की नहीं? सब लोग कितने बाबा घूम रहे हैं, तेल कहेगा कि आओ यहाँ यह कर दो तो दुख भाग जाएगा। अब उतना भीड़, अगर विधायक मंत्री को जुटाना होगा तो 5 लाख खर्चा करेगा, 10 लाख तब तो उतना भीड़ न जुटेगी। वो पटना सिटी से चला मुंगेर तक जाके लात खा दिया। हम बोले को लात खाइए जाएगा कहीं तक है तो ढकोसला। हमारे आश्रम के बगल में एगो भट्टेदार हैं, तो वह एक बोतल तेल एगो ऐसे पानी ले ले जा रहे थे। हमके कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज एगो बाबा आया है, तेल फूंकता है, पानी देता है और सब ठीक हो जाता है। तो अभी मिलते हैं, हमके क्या ठीक हो गया? कहें महाराज सब ऐसे ही ढकोसला। तो दुख भगाने का हम लोग न जाने कितना उपाय कर रहे हैं, लेकिन ससुरा दुख भाग नहीं रहा। शरीर है मौसम विज्ञान से भी ज़्यादा लचीला। अब वहीं शुगर 200 है तो ससुरा शाम तक हो गए 250। नहीं समझ, मौसम तो कल बदलेगा, शुगर दिन भर में 4 बार अप डाउन हो रहा है। अभी बीपी 120/80 है तो पता लगा कि नीचे 100 ऊपर 160 भल है। दुख को भगाने के लिए हम लोग नाना तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन दुख भाग नहीं रहा, इसलिए कि मेन उपाय नहीं कर रहे हैं। तो जब हनुमान जी ऊपर से राम नाम का गुण वर्णन करने लगे ना, अभी 2-3 बाबा और हैं मोबाइल में देखिएगा, नाम नहीं लेंगे, एगो कौन धाम तो एगो कौन करौली सरकार तो एगो कौन कौन, वहाँ जाओगे तो लिख के बता देगा, कैसे कहेगा छू तो तुम्हार दुख भाग जाएगा। ये नौटंकी धर्म के नाम पर सनातन को बर्बाद कर रही है। नहीं समझे? सनातन माने भूत झाड़ना नहीं होता, सनातन माने लोगों को ठगना नहीं होता। सनातन मतलब सनातन इतना महान है, इतना महान है कि इस धर्म में राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए। राम जी ने कोई चमत्कार दिखाया अपने जीवन में? भगवान कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। महापुरुष जो करते हैं वो कालांतर में चमत्कार आपको लगने लगता है। जैसे एक यूपीएससी का लड़का पढ़ लिख करके, यूपीएससी कंप्लीट करके कहीं पर वो आईएएस आईपीएस बन जाता है तो अनपढ़वन के लिए वो चमत्कार ही लगेगा, कहेगा बाप रे वो कैसे बन गए ले हो बाबू, चमत्कार हो गए ले का। लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए वो चमत्कार नहीं है। तो इसलिए महापुरुष कभी चमत्कार नहीं दिखाते, उनका हर कार्य आपको भविष्य में चमत्कार लगने लगेगा। जैसे 4 बजे जो गंगा स्नान करे ठंडी में, तो जे 12 बजे सूत के उठ रहा है उसके लिए तो चमत्कार ही ना होगा वो। तो इसलिए संत हमारे महापुरुष कभी चमत्कार नहीं दिखाए। तो इन सब फर्जीवाड़ों से, चमत्कारियों से आप लोग बचिए और गीता रामायण का शरण लीजिए। और गीता रामायण में जो संत और असंत के लक्षण बताए गए हैं उसके हिसाब से आप उनको समझिए। तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता सीता का सारा दुख भाग गया जब भगवान की कथा सुनने लगी, तो दुख भाग गया। और उसके बाद फिर हनुमान जी सब बताए, उतर के माता को प्रणाम किया, बोले मैया ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ, आपके दर्शन होने का पुण्य था इसलिए भगवान ने ये कार्य हमको सौंपा। मैं रावण को मार करके आपको यहाँ से ले जाता, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान ने सिर्फ बोला था पता लगा के आओ। जहाँ इतना कहे कि रावण को मार के ले जाता तो माता के हृदय में शंका हो गया कि भला बताइए ये कैसे मार के ले जाते। मोरे हृदय परम संदेहा,
सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। तब अपना वो विचार रूपी आकृति को उन्होंने बड़ा किया, तब माता सीता को विश्वास हो गया कि नहीं, जब विचार इतना उत्तम है तो इन असुरों का नाश अवश्य होगा। इसलिए अगर आपके अंदर विचार है, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर बल है, आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर धैर्य है, तो आपके अंदर जो असुर हैं उनका एक दिन नाश अवश्य होगा। इसलिए उन असुरों को नाश करने का यही तरीका है जो आपके अंदर ही है, बाहर कहीं कोई असुर नहीं, आपके अंदर रावण है और आपके अंदर ही राम जी हैं, आपके अंदर ही हनुमान जी हैं और आपके अंदर ही सीता जी हैं सब। इसलिए संतों ने कहा कि जस बाहर तस भीतर देखा, इसलिए मानस में बाबा ने शुरू में ही लिखा कि रामचरित मानस जे एही बारिन मानस धोए ते कायर कली काल बिगोए। राम का चरित जो कहीं बाहर नहीं आपके मानस में है, इसलिए कहें कि असमानस मानस चख चाहिं। इस मानस को समझने के लिए ये मानस रूपी नेत्र की जरूरत है। मानस को कोई बाहरी बुद्धि से नहीं समझ सकता, बाहरी बुद्धि से समझेगा तो कहेगा कि मानस लड़वाती है, इसलिए जब अंतःकरण वाली बुद्धि से समझेगा तब कहेगा कि नहीं मानस तो जोड़ती है। तो इसलिए माता सीता को विश्वास हो गया। फिर हनुमान जी ने कहा मैया भूख लगी है, आदेश हो तो कुछ भोजन कर लूं। यह प्रसंग आप लोगों को एक भजन के बाद सुनाएंगे। ओम भजन सुनाओ, पानी लाओ। हम जो बता रहे हैं अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ ऐसे बकबका रहे हैं, अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, हाथ उठाइए। हेलो, सबसे पहलवान जी, सबसे पहलवान जी, बाबा हनुमान रहुआ सबसे पहलवान जी, बाबा हनुमान रहुआ सबसे पहलवान जी, सबसे हेलो बचपन मिल गईले हेलो सूरज महाराज के, तोड़ ले गुमान जाके तेरा बन रंगवाज के, तोड़ ले गुमान जाके तेरा
वाले जिसका दिल चाहे सत्संग का दरिया नहा ले जिसका दिल चाहे करो हिम्मत जरा डुबकी करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका दिल चाहे किसी का डर नहीं कुछ भी उठा लो जिसका दिल चाहे संसार का चक्कर लगे ना मौत का टक्कर मिटे संसार का चक्कर लगे ना मौत का टक्कर अरे है पार दिल बनावे चोर से साहू मिटावे दुष्टता मन की बनावे चोर से साहू मिटावे दुष्टता मन की जड़मूल पापों का कटा लो जिसका दिल चाहे Yeah.
हरि प्रेम के रंग में, रंगे हरि प्रेम के रंग में, रंगे हरि प्रेम के रंग में रंगा लो जिसका दिल चाहे। बहे सतसंग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिसका दिल चाहे भजन गाते हैं। ये लोग का दुगोला ठीक है, अगर दुगोला करवा दिया जाए दोनों लोग में तो न ही हारेंगे न ही जीतेंगे। बिहार में दुगोला बहुत होता है ना, बियर के लोग ज़्यादा सुनते हैं। बियर में ये रानी सराय के सामने एक गीता ज्ञान महायज्ञ लड़के सब करवा रहे हैं, आप लोग सब लोग आइएगा। 22 मई से 30 मई तक का डेट ये लोग रखे हैं, बहुत भव्य आयोजन है। उसमें गीता जितने भी लोग आएंगे यज्ञ में सबको एक गीता फ्री दी जाएगी, यथार्थ गीता, तो उसमें सबको आना भी है। अपना रानी सराय बख्तियारपुर के आगे जो गंगा जी नहीं है पूरा खाली है सब, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होगा, तो उसमें एक दिन दुगोला भी करवा देंगे इन लोगों का। एक महात्मा से एक भक्त ने पूछा, महाराज जी क्या आपने भगवान को देखा है? सबके मन में प्रश्न होगा कि भाई महाराज जी भगवान भगवान इतना बोल रहे हैं, क्या भगवान को देखे हैं? तो महाराज जी ने उस भक्त को कहा, देखो भगवान को, बैठ जाइए अरविंद जी, खड़ा कहाँ है, मार के भागिएगा का, ये सचिव हैं यहाँ के, बहुत मेहनत किए मंदिर में। तो महात्मा जी ने कहा, भगवान को जो देखता है वो सिर्फ दूसरे को नहीं दिखा सकता, अपने माई लोग मुंह बंद करो और कान खुलल रखो तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। सत्संग कहता है कि मुंह बंद कान खुला, हम सिर्फ बोलते नहीं, हम देखते रहते हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये भी देखते रहते हैं। तो दूसरे दिन वो भगत फिर आया, बोले महाराज आप लोग भगवान को देखे नहीं हैं, खाली झूठ मूठ के कहते हैं भगवान ऐसे हैं भगवान वैसे हैं, अगर देखे हैं तो हमको दिखाइए भगवान कैसे हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो भगवान अनुभव गम्य हैं, जो उनको देखता है वही समझता है, दूसरे को नहीं दिखा सकता। तुम भी ओम का जाप करो, तुम भी ध्यान धरो, मन सहित इंद्रियों को बस में करो, तुम्हें भी भगवान दिखेंगे। लेकिन तुम्हें दिखेंगे तो तुम अपने चेला को नहीं दिखा पाओगे, पत्नी को नहीं दिखा पाओगे, पड़ोसियों को नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि काजी जाने आपना कार्य जनावे पियो। कबीर साहब ने इसी को बड़ा सुंदर ढंग से कहा कि कह कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पई जाने। जैसे गूंगा व्यक्ति को चीनी दे दो आप, उससे पूछो मीठा है तो कहेगा हूँ, पूछो तीता है तो कहेगा हूँ, वो बेचारा व्यक्त थोड़ी कर पाता है,
उसी तरह जो भी भक्त भगवान को देख लिया है, उनको अनुभव में महसूस कर लिया है, वो दूसरे से क्या बता सकता है कि वो कैसे हैं? और बता भी देगा तो दूसरा जान कैसे पाएगा, क्योंकि वो देखा ही नहीं। जैसे जो अमेरिका हो लिया हो और जो अमेरिका अभी गया ही नहीं है, तो आके बतावे कि अमेरिका ऐसा है ऐसा है, तो वो बेचारा जो गया नहीं है वो क्या जानेगा कि अमेरिका कैसन है। तो उसी तरह से जो भगवान को देख लेता है, फिर तीसरे दिन वो भगत आया, एकदम जिद कर बैठा, आप लोग केवल खा खा के मोटाल हैं, साधु झूठों के बनल हैं, भगवान को नहीं दिखा पाए, हमको दिखाइए भगवान कैसे हैं। तो ये गो ईटा इतना बड़ा महात्मा जी के बगल में था, ईटवा उठा के एक ईटा ऐसे मारे, उसको माथा पे लग गया, फूट गया, खून लगा बहने। अब वो भगत बड़ा जिद्दी था, चला गया राजा के दरबार में, राजा से शिकायत कर दिया, राजा साहेब फलाने महात्मा ने मेरा सिर फोड़ दिया। राजा ने कहा हमारे क्षेत्र में वही तो एक महात्मा है, बाकी तो सब महात्मा के वेश में स्वांग रचाए हैं, लेकिन महात्मा तो वही हैं एक, और उनके बारे में तुम इस तरह से बोल रहे हो, पहले मैं उनसे पूछूंगा कि बात क्या है, तब फिर मैं बताऊंगा। राजा साहब अपना वहां से रथ पर बैठे महात्मा जी के पास आए, महात्मा जी को कहा प्रभु दरबार में चलें, एक भगत ने आप पर केस किया है। महात्मा जी कहा चलो, दरबार में राजा के साथ बैठ के चले गए। वहाँ आसन लगा, महात्मा जी बैठे, राजा साहब ने कहा बोलो तुम्हारी क्या शिकायत है? उसने कहा महाराज ने मेरा सिर फोड़ा। राजा साहब हाथ जोड़ के बोले क्या महाराज जी आपने सिर फोड़ा इसका? तो महात्मा ने कहा मैंने सिर नहीं फोड़ा, मैंने तो इसके प्रश्न का उत्तर दिया। तब राजा कहा ही महाराज ज्ञान से उत्तर दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर करके ही पहली बार हम सुन रहे हैं, माथा फोड़ के कौन सा उत्तर देना है? बोले नहीं, उससे पूछो ना उसको कितना दर्द हो रहा है। तब वो बड़ा तेज से झिल्लाया, बोला जेकर कपार फूट है माथा फूट है ना, वही जाना है बाबा कितना दर्द हो है। तोरा फूटल होता था ना तू जनता की मथवा में कितना दर्द है। तब महात्मा जी कहें बेटा उसी तरह से भगवान है, जिसको मिलते हैं वही जानता है। जैसे तुम अपने दर्द को नहीं बता सकते कि हमको कितना दर्द हो रहा है, कितना हमको घाव लगा चोट लगा, उसी तरह से हम अपने भगवान को नहीं बता सकते कि भगवान कैसे हैं। ये दोनों अनुभव गम्य है, इसलिए जाके नहीं फटी बवाई, सो का जाने पीर पराई, इसलिए परमात्मा अनुभव गम्य है। महात्मा केवल इतना ही बताते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से मैंने भजन किया उसी तरह से तुम भी ध्यान करो, तुम भी भजन करो, तुम भी सेवा करो, तुम भी मेडिटेशन करो, तुमको भी भगवान की अनुभूति हो जाएगी। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बताया, यही राम जी ने हनुमान से बताया, यही नरहरि दास ने तुलसीदास जी से बताया, यही सब गुरुओं ने अपने शिष्यों से बताया, इसलिए भगवान अनुभव गम्य हैं। हनुमान जी कहते हैं माता भूख लगा है, अगर आदेश हो तो मैं कुछ खा लूं। माता सीता ने कहा जाओ खाओ, लेकिन निश्चर बड़े बलवान हैं, थोड़ा संभल के। हनुमान जी ने कहा उसकी चिंता आप न करें, मैं अब आपका पता पा लिया, दूसरा टारगेट मेरा इन निश्चरों के बल का पता पाना है कि कितने ये बलवान हैं, क्योंकि एक अच्छा गुप्तचर वही है जो दुश्मन के प्रत्येक भेद को अपने मालिक तक पहुंचा दे। हनुमान जी गए, जब तोड़ तोड़ के खाने लगे फल, तो बगिया के रखवाले सब ले लेके गदा तलवार फरसा दौड़े, सब के मार करके चोटाहिल कर दिए। रावण के एक बेटवों को मार दिए थे सुरुए में जाते जाते, तो उसके बाद
कई राक्षसों को भेजा रावण ने, भाई कौन वानर आ गया इतना बलवान है, देखो तो जरा कि ये लंका को पूरा हिलाए हुए है। जब किसी से नहीं संभर रहा था तो रावण कहा मैं ही जाके देखता हूँ। तो मेघनाथ ने कहा पिताश्री आप राजा हो, आप क्यों जा रहे हो, अभी मैं तो हूँ ना, मैं ही जाता हूँ। तो मेघनाथ से भी लड़ाई हुई, फिर मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानौ महिमा मिटै अपार। ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का मतलब उस समय जैसे अभी तमाम मिसाइलें हैं, तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान होता है। बुद्धि ही ब्रह्मा है, मन ससि चित्त महान, अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। तो अपनी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत व्यक्ति ही मेघनाथ है। वो अपनी बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान पाया हुआ था उसका अस्त्र चला दिया। तो एक साधक जो होता है दूसरे के ज्ञान की कदर करता है, उस ज्ञान को काटता नहीं है, इसलिए हनुमान जी साधक थे और उसके ज्ञान को उन्होंने काटा नहीं बल्कि स्वीकार कर लिया। तो बोले अगर इस ब्रह्म अस्त्र की महिमा मैं नहीं मानूंगा तो इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा ही मिट जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार करके अपने आप को बधा लिया। फिर रावण के पास ले गया, रावण देख के हनुमान जी को हंसने लगा। हनुमान जी ने कहा अभी तुम हमको देख के हंस रहा है, कभी तुमको दुनिया देख के हंसेगी अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो, इसलिए भगवान की शरण में चले जाओ। तीनों लोक को क्षमा दान देने वाले भगवान हैं। तो रावण ने कहा तुम हो कौन? हनुमान जी ने कहा जिसकी यह पूरी सृष्टि दासी है उसका मैं दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। उसके बाद बोला इसने मेरे बेटा को मार दिया, मेरी सुंदर बगिया उजाड़ दी, बड़ा अहित किया, इसको मार दो। तो विभीषण जी भी उसी सभा में बैठे थे, दोनों लोग से पहले मुलाकात हो ही गया था। विभीषण जी खड़े हो गए, बोले भैया नीति विरोध न मारी है दूता, आप इसको मार ही दोगे तो आपके पराक्रम और शौर्य की गाथा ये अपने मालिक को सुनाएगा कैसे? तब रावण कहता है कि हाँ नीति युक्त बात बोले, बहुत बढ़िया, मारूंगा नहीं इसको, अंग भंग कर दूं, बंदर को अपनी पूछ सबसे प्यारी होती है इसलिए इसके पूंछ को ही जला दिया जाए। जैसे सनातनियों को मूछ प्यारी वैसे बंदर को पूंछ प्यारी। तो आजकल तो सब मूछ मुड़ा लेते हैं, लड़का सब को देखोगे तो झोटा बढ़ा लेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे कि लड़का है कि लड़की है, मूछ छिले ले रहेगा, और लड़की सबको देखोगे तो झोटा कटा लेगी और कन्फ्यूज हो जाओगे कि लड़की है कि लड़का, उल्टा होने लगा। तो इसलिए मूछ रखना चाहिए प्रत्येक आदमी को, मूछ पर ताव देते रहिए हमेशा। तो हनुमान जी के पूंछ जराने का प्रबंध करने लगा। वस्त्र घी इतनी लंबी पूंछ बढ़ा दी है हनुमान जी की, सब कम हो गए। पहले मिट्टी का तेल रिफाइन थोड़ी था, पहले घी वे था, घी में पूड़ी बनता था, घी में
सब्जी सब घी में बनता था, अब रिफाइन उफाइन आ गया, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने घी का जिक्र किया है। रिफाइन था ही नहीं तो उस समय कैसे लिखते रिफाइन। इसलिए कहते हैं कि घी कम पड़ गया, वस्त्र कम पड़ गए, उसके बाद हनुमान जी की पूछ में आग लगा दिया और फिर हनुमान जी उड़ गए लंका में, पूरा सोने की लंका को लगे उदक उदक के जराने। सोचिए पूरी लंका जर गई जो सोने की थी, जो कि सोना कभी भी आग में नहीं जलता है। आप लोग बख्तियारपुर सोनार लोग के पास जाते हैं, देखते हैं धमनी में पूरा एकदम उसको गलाता है, फिर गला के 21 कैरेट 22 कैरेट बनाता है, बना के फिर देता है। सोना जलता ही नहीं, लेकिन सोना का घर जल गया और नहीं जला तो केवल विभीषण की कुटिया नहीं जली जो कि खड़ पुस का बना हुआ था। कह जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। मतलब आपकी सारी ऐश्वर्य संपत्ति अगर राम के बिना है तो वो एक दिन जर जाएगी, लेकिन अगर राम नाम आपके अंदर है तो आपका नाम सदैव अमर रहेगा, उसका घर नहीं जरेगा। देखिए आपके बगल में ही नैया बाबा एक संत हुए, क्या इधर के सबसे बड़े जमींदार थे वो? नहीं ना थे। सबका जमींदारी जो बड़का बड़का जमींदारी हुआ होगा ओकर नाम जर गया होगा, नहीं समझे, लेकिन उनकर नाम अभी तक है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि बगल में ही थे, आप लोग ज़्यादा समझ लेंगे। तो सोचिए उसी तरह से जिसके पास बहुत सोना चांदी घर द्वार धन दौलत है, वो 10 पुस्त 5 पुस्त बाद होकर नाम जरना ही है, कोई नहीं जानेगा। अगर आपसे ही मैं पूछूं कि आपके दादा के दादा का क्या नाम था तो इसमें से शायद एकाक व्यक्ति होगा जो बता पाएगा, नहीं तो किसी को याद नहीं होगा, नहीं तो उनके दादा का तो किसी को नहीं याद होगा। लेकिन राम जी कृष्ण जी कितने महापुरुषों का नाम हम लोग याद रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास राम नाम रूपी धन था, और जिसके पास सोना रूपी धन है वो तो जर गया, उसका कोई नाम निशान नहीं। ये संसार अमरलता के पेड़ जैसा है। अमरलता का पेड़ आप लोग देखें ना कोई पेड़ के ऊपर रहता है, जैसे आम के पेड़ के ऊपर, पीपल के पेड़, कोई पेड़ के ऊपर वो रहेगा, और उसका जड़ जब आप खोजने लगेगा तो नहीं मिलेगा, और फुनगी उसका हरियर रहेगा एकदम। उसी तरह ही संसार है, आप लोग का जड़ अगर हम खोजने लगे कि दादा के की नाम हले, छर दादा के की नाम हले, तो न याद हो तो, लेकिन इस साली हथिन, इस साली के साली हथिन, ये कुल याद रहेगा, नहीं समझ रहे हैं? उनकर सरहज हथिन तो लगैत भगैत करके सब जोड़ के याद रह, तो ऊपर वाला कुल याद है और नीचा वाला सब भुला गए। इसीलिए आप लोग भी मत समझिए कि 2 पुस्त से ज़्यादा आप लोग टिकने वाले हैं, क्योंकि अब युग ऐसा आ गया है कि लड़का जन्मता है तो तुरंत लोग हॉस्टल में रख देता है, वो जन्मते और पत्नी अलग जा रही है ड्यूटी करने ऑफिस में, और मर्द अलग ड्यूटी करने जा रहा है, लड़का कहाँ है? तो बॉय हॉस्टल में। उसको दिखाया जाता है कि ये तुम्हार मॉम, ये तुम्हार डैड। पहले मम्मी पापा लोग कहले, पाप किए तो नाम पड़ गया पापा, अब हो गया मॉम और डैड, नहीं समझे? डैड हो गए तुम्हारे डैड, अब मॉम हो गए मोमबत्ती, नहीं समझ रहे हो? अब मतलब फोटो में देखो मॉम हो गई मॉम, ये हो गए डैड। फोटो में बेचारा के उसको बताया जाता है कि मोम है ये डैड है, तो अब तो उसको ये भी नहीं पता होगा। शहरों में ऐसा है, छोटे छोटे आप बम्बई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पटना में ही चले जाइए, अब घर में 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उसको बेटा हो गया, अब 2-3-4 महीना तक मान लीजिए छुट्टी कंपनियाँ दे देती हैं, लेकिन फिर तो ड्यूटी करना पड़ेगा बच्ची को। अब 5-6 महीने का लड़का हुआ तो उसको चिल्ड्रेन हॉस्टल में डाल दिया, अब वो लड़का दिन भर वहाँ रहा, चाहे कोई दाई रख दिया और दिन भर अपने ड्यूटी किया।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब तो एक पुस्त दो पुस्त तक ही आप भुला जाएंगे, लेकिन अगर भगवान की भक्ति परमात्मा के राम नाम रूपी धन को अपने पास रखेंगे तो युगों युगों तक जैसे महापुरुषों की कीर्ति चली आ रही है वैसे कीर्ति आपकी चलती रहेगी। इसलिए अगर अमरत्व चाहिए तो भगवान का भजन करना होगा। तब हनुमान जी विभीषण के गृह को छोड़ दिए, बाकी सब पूरी लंका जर गई। उसके बाद माता सीता से विदा लेकर के और इस पार आए, इस पार आकर के सब बानरों में खुशी का माहौल हो गया। सब मधुबन के फल जाके तोड़ तोड़ खाने लगे। सुग्रीव ने सुना कि सब बानर तो मधुबन के फल खा रहे हैं। सुग्रीव समझ गया कि सीता जी का खोज हो गया, क्योंकि मधुबन के फल सकहीं न खाई, अगर जौ न हो तो सीता सुधि पाई। तो तब तक पहुंच गए, हनुमान जी ने सब प्रभु से अपनी बातें बताई। फिर भगवान ने पूछा, हनुमान सीता वो निश्चरों के बीच में रहती कैसे है? तब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंत्रित, प्राण जाई के ही बाट। आपके नाम का पहरा वहाँ लगा हुआ है प्रभु, हमेशा रात दिन राम 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 जपते रहती हैं। दिवस निस नाम पाहरु दिवस निस, दिवस माने दिन और निस माने रात। ध्यान तुम्हार कपाट, उस घर का दरवाजा, जैसे इस घर का दरवाजा है ना, तो प्रभु ध्यान आपका दरवाजा है। नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंतित, माता सीता का जो नयन है वो आपके चरणों में है। जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो माता सीता का ध्यान अपने गुरु, अपने पति, अपने इष्ट राम के चरणों में रहता था। तो हे भगवान, जब दरवाजा बंद है तो प्राण निकलेगा कैसे? इसी तरह से, लेकिन बोली हैं, एक संदेश दी हैं कि मास दिवस में अगर भगवान नहीं आएंगे तो मेरा मरा मुख देखेंगे। तब प्रभु कहते हैं कि जल्दी से तुम लोग तैयारी करो और इधर तैयारी चालू हो जाती है। करता है। फिर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचते हैं सब सेना को लेके। उसके बाद रावण के सामने बार बार विभीषण भगवान की बड़ाई भी करते हैं, तो भी विभीषण नहीं, रावण नहीं मानता है।
फिर विभीषण जी को एक लात मारा रावण, बोला कि तुम जब शत्रु की ही इतनी बड़ाई कर रहे हो तो जाओ शत्रु के पास। विभीषण जी खुश हो गए। जब तक परिवार से लात नहीं लगता है ना, तब तक लोग भक्ति भजन के तरफ बढ़ते ही नहीं हैं। जितने महापुरुषों का आप जीवनी देखिए, जब माया वाले ठुकराए हैं तब ही। एक बुढ़ऊ थे, हम लोग के आश्रम में आए, बोले महाराज अब मर जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बेटवा ऐसे बोल दिया, पतोहिया ऐसे बोल दी। 10-15 दिन हुआ तो फिर झोला लेके भागने लगा। वहाँ मैं रहता था यूपी में, जब आश्रम में, तो हमने कहा महाराज देखिए वो झोला लेके भाग रहा है बुढ़वा, कह रहा था घरे नहीं जाएंगे, मर जाएंगे तो भी नहीं जाएंगे। हम गए पकड़ के लाए महाराज जी के सामने, तो महाराज कह रहे तू तो कह रहा था घर नहीं जाएंगे, अब क्यों जा रहा है? बोले महाराज जेकरा बेटा पतोह है वो है ना मारेगा, जेकरा है ये नहीं ओकरा के मारते। और इसलिए 10 दिन 5 दिन भक्ति याद आता है जब बेटवा बिटिया गारी देगा, फिर उकरे बाद बेटवे नतिया पुतवा आने लगता है। तो जब 2-4 बार लात खाता है ना तब भगवान याद आते हैं। पहले तो रावण को खूब समझा रहा था, मोह ही रावण है, गोस्वामी जी ने मोह ही रावण बताया, ये माया मोह को रावण की संज्ञा दी। और जब विभीषण वहाँ से चल देता है तो रावण का उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाती है। अस कही चला विभीषण जब ही, आयु ही न भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कैदानी। मन में विचार करने लगा कि आज मैं कितना पुण्यात्मा हूँ, आज प्रभु के चरणों का दर्शन करूँगा। यही मन में विचार करते हुए विभीषण जी भगवान की तरफ बढ़े। उनको मारने का दुख नहीं हुआ कि हमें मारा, यही जड़ भरत जी के साथ हुआ। जड़ भरत जी जब भगवान की भक्ति कर रहे थे तो परिवार वाले कहें कि न पढ़ा न लिखा न कुछ घर में करता है, चलो खेत में बिया डालल है वहीं कम से कम टीना बजाना कि कम से कम दाना होना। आप कुछ घर में कर रहे हो तभी तक आपकी इज्जत है। पेंशन मिल रहा है बुढ़ापा में तो च्यवनप्राश समय से मिलेगा खाने को, अब पेंशन नहीं मिल रहा है तो समझ लो कि कोई उपाय नहीं है। फिर कहेगा कि 250 के तुम्हें च्यवनप्राश क्या, चलो सिमरिया घाट में भर ठंडी नहवा दें कि पार हो जाओ। जब कहेगा वहाँ से अगर बच के आ गएगा तो कहेगा बुढ़वा बहुत पापी है, सिमरियो घाट में न मर ले छे, बहुत पाप कैले है बुढ़वा, नहीं समझ रहे हो। वो घाट नहवाने नहीं ले जाता है, भर ठंडी दिसंबर के महीना में देखता है कि डुबकी मरवाएंगे कम से कम परान होकर निकल जाए। तो इसलिए विभीषण जी को दुख नहीं हुआ और उनको खुशी हो गई। और मन में विचार करते हुए आगे आए, लेकिन यहाँ पर सुग्रीव की सेना ने रोक दिया, कौन हो तुम, क्यों आए हो? क्योंकि युद्ध का माहौल था, उसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका भरपूर सेना निरीक्षण रखती थी। आज भी इस तरह की सेनाएं निरीक्षण रखती हैं। टोटल राम रावण के युद्ध नीति को ही आज के संविधान के युद्ध नीति में रखा गया है। हर देश के संविधान में क्षमा का प्रावधान है, कोई भी देश हो युद्ध नीति लगभग इसी से ली गई है। फिर सुग्रीव जाके भगवान से कहा, प्रभु दुश्मन का भाई आपसे मिलने के लिए आया है, आवा मिलन दशानन भाई। और वो शत्रु का भाई है, हो सकता है आपका भेद लेकर के उधर बता दे। भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, ये शत्रु का भाई है ना, स्वयं शत्रु ही अगर आ जाएगा तो मैं उसे अभय दान दे दूंगा,
क्योंकि मेरा प्रण है कि शरणागत कहूँ जे तजहीं निजयन हित अनुमानी ते नर पामर पापमय तिन्हीं बिलोकत हानि। कहे मैं शरणागत को नहीं त्यागता, जो मेरे शरण आ गया। प्रणत पाल रघुवंश मनि करुणा सिंधु खरारी शरण गए प्रभु राखी हूँ सब अपराध विसार। इसलिए भगवान जो शरण में उनके चल जाता है सारे अपराध को भुला जाते हैं। जयंत के जो एक आँख को भगवान ने फोड़ा था सारे अपराध को भुला के, भगवान भी एक आँख के काना हैं और जयंतों को एक आँख के काना बनाए थे। भगवान एक आँख का काना कैसे हैं कि भक्त के गुण को केवल देखते हैं, अवगुण को नहीं देखते, इसलिए वो एक आँख के काना हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपके न जाने किस गुण पर वो आपसे रीझ जाएं, खुश हो जाएं, और अगर आपके अवगुणों को देखने लगेंगे, मेरे अवगुणों को देखने लगेंगे, तो हर पग पग पर हम लोग अवगुणी हैं, फिर तो कभी उद्धार होगा ही नहीं। इसलिए भगवान की एक आंख फूटी हुई है अवगुणों को देखने वाली। तो भगवान कहते हैं कोटि विप्रबध लागहीं जाहूं आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। कोटि विप्र का बध का भी पाप अगर जिसको लगा हो, रावण को लगा था ना, रावण कितना पंडितन के सर सर खून पिया था, कितना ऋषि मुनियन के। तो भगवान का इशारा उसी तरफ था कि अगर वो भी आ जाएगा शरण में तो भी मैं उसको भी माफ कर दूंगा। तजी मद मोह कपट छल नाना सद्य करहुं तेहि साधु समाना जौनर होई चराचर द्रोही आवा शरण सभय तकी मोही जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भुवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधु बर डोरी अस सजन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बस ही धन जैसे। भगवान कहते हैं विभीषण ने जननी जनक बंधु सुत दारा सब ममता का परित्याग करके सुग्रीव मेरी शरण में आ गया, वैसे ही अगर कोई भी जीव इन समस्त रिश्तों का एक धागा बना ले और उस धागा को मेरे चरणों में बांध दे, क्योंकि समस्त रिश्ते भगवान से ही हैं। भगवान आपके दिल में हैं तो आप किसी के चच्चा मम्मा नन्ना लग रहे हैं, अगर भगवान निकल गए तो आप क्या हो गए, डेड बॉडी। कहेगा लहसिया के उत्तर से दक्षिण कर देहु, लहसिया के एम्बुलेंसवा से नीचे उतार दे, ना कहे पापा के नीचे उतार दे, कोई बोला है कि चचा के नीचे उतार दे, आ गई थी ना, क्या बोलेगा, डेड बॉडी आ गया है, गांव में लाश आ गई है, अब उधर से उधर कर दो। फिर इस शरीर का नाम लाश हो जाता, जब तक राम जी हैं तब तक फलना बाबू फलना सिंह फलना बाबा फलना ढेकना, राम अंदर से परमात्मा निकल गए तो फिर हम लोग डेड बॉडी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त नाते रिश्ते का धागा बनाइए सबसे प्यार कीजिए। हम नहीं करें सब छोड़ छाड़ के निकल जाए, नहीं, घर में आप रहिए, अपने दरवाजे पर रहिए, अपनी गृहस्थी को देखिए, लेकिन जो समस्त नाता रिश्ता आपका है उस नाते रिश्ते को कारण मानिए कि ये ठाकुर जी से ही है, ठाकुर जी हैं तो ये नाता है, ठाकुर जी नहीं रहेंगे नाता खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बाधुबर डोरी
अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बस ही दन जैसे। इसलिए हे विभीषण मैं हे सुग्रीव मैं विभीषण को नहीं त्याग सकता। विभीषण जैसे ही आया भगवान को दंडवत प्रणाम कर रोने लगा कि मैं कितना पापी था कि प्रभु दर्शन देते देते इतना देर हो गई। इसलिए भगवान ने कहा अरे लंकेश, तो चकबका गया, बोला लगता है पीछे पीछे अमर भयो आ गया क्या, तो इधर ताकने लगा। उसको लंकेश तो रावण को लोग बोलते थे, और जैसे ही अंदर भगवान के रावटी में घुसा तैसे कहे कहूँ लंकेश, तो चकबका गया कि लगता है तलवार लेके रावणों पीछे से आ गया क्या। तब भगवान बोले अरे आप ही को बोल रहे हैं, भगवान तो भविष्य दृष्टा थे। बोले प्रभु मैं राजा नहीं हूं, लेकिन गोस्वामी जी शुरू में कह दिए थे कि अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। अब वहीं भगवानों कह रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों के लिए रावण राजा है, वो आयुहीन हो गया है भगत, अब तो वहां के राजा तुम ही बनोगे। इसलिए भगवान उसको लंकेश की संज्ञा देते हैं। फिर एक तरफ यह छोर और एक तरफ वह छोर, समुद्र को कैसे पार किया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जिसका नाम सुमिरते मात्र से करोड़ों सिंधु सूख जाते हैं। और वो विचार कर रहा हो कि सिंधु कैसे पार जाया जाए, तो भगवान ने कहा कि मैं समुद्र की पूजा करना चाहता हूँ। शिव लिंग वहाँ आप जाइए, अभी भी रामेश्वरम में स्थापित है। जब सेतु बांध हो गया तो भगवान शिव की पूजा की। उसमें गोस्वामी जी ने कहा है पहले भारत में एक विभेद था कि शिव भक्त अगर राम भक्त को मार देगा तो मुक्ति मिल जाएगी, और राम भक्त शिव भक्त को मार देगा तो मुक्ति हो जाएगी। अभी भी देखते हैं दक्षिण भारत वाले अपने को शिव भक्त कहते हैं, और हम लोग जो हैं इधर उत्तर भारत वाले ये दक्ष प्रजापति के वंशज माने जाते हैं, हम लोग राम के विष्णु के भक्त हैं। तो वो लोग घृणास्पद दृष्टि से देखता था। आज भी देखो बिहार के लोग कहीं जाते हैं, यूपी के कहीं लोग जाते हैं, तो वो लोग कहे भैया आ गया भैया। तो इस विभेद को पाटने का काम गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा ढंग से मानस में कहा। उन्होंने क्या कहा कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कलप भरी घोर नर कमहु बास। इसलिए शंकर के भक्त को और राम जी के भक्त को जोड़ने का काम किया, क्योंकि उस समय एक कुरीति थी, आज नहीं है, आज बहुत कम हो गई, क्योंकि आज आपस में ये क्या नाम थे जो पहले गृह मंत्री बने थे जिनका स्टेचू बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि सारे स्टेट संवैधानिक हो गए, सब एक हो गए। तो अब थोड़ी समस्या ये प्रांतवाद क्षेत्रवाद की कम है, लेकिन अभी भी है। तमाम जगह घटनाएं सुनने को मिलती है कि वहाँ मजदूरों को मारा गया, तो वहाँ ये किया गया, तो वहाँ वो किया गया। तो इसलिए इस विभेद को रामचरितमानस पाटा, खत्म किया। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण भारतीय दर्शन है, संपूर्ण भारतीय संस्कृति का उसमें दर्शन है, संपूर्ण भारतीय भाषा का दर्शन है, खिचड़ी मेल है इसमें। इसमें दक्षिण भारत के भी शब्द प्रयोग हुए हैं, तो एमपी के भी, तो यूपी के भी, तो बिहार के भी। एक कहीं बान प्राण हरि लीना, बान माने आदत होता है। लोग कहे ना कि हमर लड़कवा के खैनी खाए कल बाबा बान पकड़ लेलके, आदत पकड़ लेलके, तो बिहारी शब्द भी उसमें उन्होंने जोड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी महान संत थे, और मानस एक महान ग्रंथ है जो समस्त लोगों को जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि पहले मैं इसका तीन
कुछ अनुनय विनय समुद्र का कर लेता हूँ। तो लक्ष्मण जी कह रहे, प्रभु निकालिए ना अग्नि अस्त्र, मार दीजिए ना, सूख जाए। बोले पागल, पहले हमारे यहाँ नीति है साम दाम दंड भेद, ये चार नीति मानी गई है। पहले प्यार से दुलार से लड़कन के पढ़ावल जाए, मास्टर लोग बैठल होंगे तो जानते होंगे, जब लड़का प्यार दुलार से न पढ़े तो एक लाठी ऐसे लेके ऐसे मार देते हैं मास्टर लोग के, तनी भय से पढ़े। साम दाम टाफी ओफी दे के स्कूल में लुचकार के पुचकार के पढ़ाया जाता है। साम दाम दंड, फिर थोड़ा दंड देते हैं, फिर भी नहीं मानेगा तो कहें जो ससुरा तोरा से मतलब नहीं रखेंगे, तू जो अन्य हम रहवे अन्य। तो इसलिए भगवान कहें पहले प्यार से अगर समुद्र नहीं मानेगा तब तो दंड है ही है, घबराओ मत। तो बिनय न मानत जलधि जल गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिनु होई न प्रीत। फिर लक्ष्मण जी से कहे जाओ बांध ले आओ, तो बिना भय के प्रीत नहीं होता है। जब इसको हम भय देंगे और तभी प्रीति हो गई होगी। अब इसी के आगे जो चौपाई है इस पर बहुत विवाद अभी छिड़ गया था, जो चौपाई दोहा आगे में है, तो उसका मैंने उत्तर दिया है, आप लोग सुनिएगा, ये बताएगा कहाँ पर है। अब समय मेरे पास कम है इसलिए, नहीं तो मैं बता देता, कभी उसका मैं जिक्र कर दूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी आए, फिर समुद्र हाहाकार मचाता हुआ शरण में आ गया। बोले प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आप और कैसे पंडित और कैसे है, हाँ प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतर ही कटक उन मोड़ बढ़ाई। पंडित जी को पूरा रामायण याद है, लेकिन मेहरारुए से इनको पटरी नहीं रहता, भागल रहते हैं हमारा आश्रम में, 10 दिन 20 दिन रहेंगे, अभी पढ़ेंगे रामायण तो कई भाग बाबा भी जाके रही है अपना वैसे। तो इसलिए भगवान को ये कहता है कि भाई उपदेश आप हमको दीजिए। ताड़ना मिस होता है उपदेश, ताड़ना माने दंडित करना नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, हम ताड़ गए थे मसूरी का भाव महंगा होगा, हम ताड़ गए थे कि कल बारिश होगा। इसलिए समुद्र कहता है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, भगवान इनको जो ताड़ जाए समझ जाए, ये समझाने के योग्य हैं, उसी तरह मैं भी हूँ, मुझे आप समझाइए किस तरह से आपको रास्ता दूँ। फिर भगवान ने रास्ता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमको जाना है, बताओ। तो बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही के तो सेना में 2 नील हैं, इनसे कहिए ना ये पत्थर रखेंगे वो डूबेगा ही नहीं। सेतु बांध हो गया और जब पत्थर रखाने लगा तो हनुमान जी सब पर राम 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 लिखते गए। तो वो कौन सेतु बना, पत्थर का सेतु नहीं। अगर आपको भाव से पार जाना है तो राम नाम का सेतु अपने जीवन में तैयार कीजिए, और उसी राम नाम के सेतु पर चढ़ के आप निश्चर को मार के और शांति का वरण कर सकते हैं। बाहरी कोई सेतु तैयार हुआ होगा, वैज्ञानिकों ने भी माना है अभी कि नहीं, नीचे में एक कठोर चीज लंका से भारत तक की है, घटनाएं घटित होती हैं तभी उसका इतिहास बनता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस सेतु की बात की वह सेतु है राम नाम का सेतु, और उसी पर चढ़ करके उतर ही नर भव सिंधु अपारा, नर उस पार उतर जाते हैं। शेष कथा कल आप लोगों को सुनाएंगे, भजन सुनाइएगा। एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी में बाजी लग गया कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, तो नारद जी पहुंच गए तो लक्ष्मी जी मुंह फुला के बैठी थी, विष्णुओ भगवान मुंह फुला के बैठे थे। तो नारद जी ने कहा क्या बात है माता जी, बोले हम बड़ी। तो भगवान विष्णु कहें हम बड़ी,
तो नारद जी कहें आप लोग यहाँ मत मुँह फुलाइए, धरती लोक पर जाइए और धरती लोक पर जा करके वहाँ लोगों से मिलिए, अपने पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो भगवान विष्णु कहें हाँ भाई, सबका पंचायती अगर होता है तो हम करते हैं, अब हमर पंचायती नीचे वाले करेंगे। तो विष्णु भगवान साधु का वेश बना लिए और एगो भक्त के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो भक्त देखा तो बहुत संत सेवी था, कहा अहो भाग्य है आज मेरे घर संत पधारे। बिहार में भजन भी लोग गाते हैं, कब अइबा सदगुरु पहुनवा हमार भवनवा ना, गाते हैं ना। तो कहा के चलिए संत महात्मा आ गए, उनको खाना पीना खिलाया, सुताया बढ़िया से अपना संत कक्ष में ले जाके। तो लक्ष्मी जी पता लगाते लगाते भगवान कहाँ गए हैं, तो पता लगा हुए सेठ के घरे गए हैं, वहाँ पहुँच गए, क्योंकि वहाँ तो दिखाना था कौन बड़ा है कौन छोटा। सेठ जी के घर पर जब पहुँचती हैं तो सेठ जी कहा अरे बाप रे, आज तो और भाग्य है, साधु और सधुआइन दोनों आ गए। सधुआइन बेस में गई थी, उनको भी अपना कहा चलिए माता राम कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए। तो माता जी अपना उलाया अपना पीतल के बर्तन में, तो माता बोली मैं इसमें नहीं खाती हूँ, अपन झोला में से सोना के बर्तन निकाली, कहलाओ इसमें खा के, जैसे हम लोग थर्माकोल वाला नहीं फेंक देते हैं वैसे फेंक दी। तो सेठ जी कहा रे माता जी सोना का है, बोले नहीं मैं जिसमें एक बार खाती हूँ दोबारा नहीं खाती हूँ। तब तो सेठवा सोचा बाप रे बाप, 10 प्लेट नाश्ता कराओ, 10 प्लेट भोजन, 10 गिलास पानी, तो इतने में कितना थर्माकोल नियर सोना फेंकेंगी लक्ष्मी जी। ये माता जी जो आई हैं तो हमको 2-4-10 किलो हो जाएगा अपना दुकान भर के लिए। छन छन में नाश्ता पकौड़ी बना बना के लाने लगा, नहीं समझे माता जी थोड़ा बहुत खाएं फिर फेंक दें। 2-4 किलो जब सोना हो गया तो माता जी कहें कि हमको विश्राम कराओ कहीं। तो ढूंढते ढूंढते वह रूमवा में चल गई जहां विष्णु जी सुतल थे। तो सेठ बोला अरे उसमें तो एगो साधु जी सुतल हैं, आप इसमें सो जाइए। तो लक्ष्मी जी कहने हम सूतेंगे तो इसी में सूतेंगे और नहीं तो हम नहीं सूतेंगे। तो सेठवा चला के जय सधुआ जब से आल बा 3 किलो खा के खाली खर खर लेता, हमरे पैसा खैलकै सब कैलकै। आई लक्ष्मी जी तो 4 किलो सोना दे दी शाम में, सुबेरे जाएंगी तो फिर नाश्ता पानी करवाएंगे तो 4 किलो और सोना आ जाएगा, 8 किलो हो जाएगा। आई साधु जी तो कुछ कर नहीं रहा है, तुरंत दरवाजा पीटा बड़ी तेजी से, बोला अरे साधु जी उठिए। अरे भाई रात में क्यों हमको जगा रहे हो? बोले जगा नहीं रहे हैं, गेट खुला है, जल्दी निकलिए, आप यहाँ मत रहिए, इसमें आई हैं सधुआइन जी सूतेंगी। अरे कहें भाई दूसरा कोठरी दे दो, बोले न न निकलिए जल्दी, नर दरवान बुलाएं। अब लक्ष्मी जी मन ही मने मुस्कुरा रही थी, देखिए हम यहाँ बड़ हो गए ना, अपना गई रात गुजारी, रास्ते में जैसे ठकुरवारी बहुत है, आपके गांव में भी है, एक ठकुरवारी था वहाँ अच्छे महात्मा रहते थे, भगवान उन्हीं के ठकुरवारी में जे चले गए। महात्मा जी अनुभव से जान गए कि नारायण ही आए हैं, खूब उनका सेवा सत्कार किए। सुबेरे वहाँ भी लक्ष्मी पहुँच गई, त्रिशूल सोने का, कमंडल सोने का सब लिए हुए, चेला सब देखा, बोले महाराज बहुत बड़ा एगो सधुआइन महंत आई है, सोने का कमंडल सोने का चिंटा। महात्मा जी बिगड़े, बोले वो सधुआइन नहीं, वो लक्ष्मी आई है भगवान को पराजित करने, जल्दी भगा उसको गेट पर से, उसको अंदर मत आने देना। तो सज्जनों जिसके हृदय में लक्ष्मी बसती है उसके लिए तो लक्ष्मी बड़ है, लेकिन जिसके हृदय में नारायण बसते हैं उसके लिए तो नारायण ही बड़े हैं। इसलिए नारायण को अपने हृदय में बसाइए, जब नारायण हृदय में रहेंगे तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, जहाँ नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहेगी। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति करना है सुबह शाम। अब पंडित जी समय नहीं है, भजन कल होगा, नहीं छोड़ दो और आरती चलिए, आप सब लोग अपना अपना आ जाइए आगे एकदम जहाँ भी हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब लोग जयकारा लगाइएगा
और अब कथा आज से 6 दिन बीत गया, 3 दिन और बचा है। जो 6 दिन नहीं सुन पाया वो 3 दिन सुन ले, जो भी मन में अपने इच्छा लेके सुनेगा, पास होने का, नौकरी का, फलना का, ढेकना का, सब राम जी पूरा करेंगे नया साल में। इसलिए समस्त एक बार जांच लो तुम लोग कि राम जी में शक्ति है कि नहीं। इसलिए पूरा गांव, पूरा नरौली, पूरा अगल बगल जो गांव है, हम तो नाम जनबे नहीं करते हैं, तो सब लोग यहां जुटान करिए, सब लोग सुनिए, अच्छा बात। और जो कुछ धार्मिक अगर प्रश्न हो मन में, तो लास्ट दिन आप उसका उत्तर भी आप क्वेश्चन करेंगे तो हम बता देंगे। इसलिए सज्जनों, बहुत बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं कि इस हिंदू नववर्ष में आप लोगों को श्री राम कथा सुनने का, माता के दरबार में, करौता धाम में यह संजोग बना। यह संजोग भी अपने आप में, यह अरविंद, क्या नाम है इनका, अनिल जी, इनके ऊपर राम जी सवार हो गए कि भाई, और ये नवरात्र पाठ भी करते हैं, तो इनके ऊपर सवार हुए कि चलो राम कथा हो जाए तो बढ़िया है, तो शुभ मुहूर्त में हो रहा है। इसलिए आप लोग इसका फायदा लें, लाभ लें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा राम चंद्र की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी के, तीरथ कलि ललित सिया पूति, आरती श्री रामायण जी के,
फिलिप्स बोलिए ना, जय रामचंद्र की।